नमस्ते भैया जी। वो मिश्रा ने आपसे बात की होगी ना, एक लड़का आएगा वो हम ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मिश्रा के खास हो तो बेटा हमारे भी हुए, और हम तो समाज सेवक हैं जो थोड़ा बहुत कमाते हैं, हमें लगता है हमारे चेले मतलब हमारे छोटे भाई लोग भी कमा लें। भैया, हम आपके बारे में बहुत पहले से जानते हैं और आप ही को रोल मॉडल भी मानते हैं, कुछ बताइए क्या क्या करना है हमें भी। अरे सबर करो थोड़ा, समय आने पे सब बताएंगे तुमको। और बेटा हमारा जो काम है ना, वो थोड़ा थोड़ा मार्केटिंग का ही काम है, जिसके लिए चाहिए खास हुनर और दिमाग, जो सिर्फ हमारे पास ही है। पर हम चाहते हैं कि यही हुनर थोड़ा बहुत अपने छोटे भाइयों में भी बांट लें। तो बस अब आप ये समझिए कि हम आपके साथ परमानेंट जुड़ गए हैं, और फिर हमको भी आप कुछ सिखाइए अपनी ट्रिक्स और टेक्निक्स। अच्छा एक बात बताइए, ये आप चाय के साथ अब पान क्यों खाते हैं और ये मसाला क्यों रखते हैं? गुड क्वेश्चन। अब देखो बेटा, रही बात इस मसाले की, तो हमारे गांव में जो जो ये विलायती मसाला रखता है ना, उसको लोग वो क्या बोलते हैं, वो क्या शब्द है, कूल बोलते हैं, कूल। तो ये मसाला तो बेटा हम कूल दिखने के लिए रखते हैं। और रही बात तुम्हारी पान के साथ चाय पीने की, तो एक बात बताएं तुमको, इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं ना, तुम्हारा टाटा बिरला ले लो, अंबानी ले लो, मार्क जुकरबर्ग ले लो, सब अलग अलग नियमों को फॉलो करके इतने बड़े आदमी बने हैं। और वैसे ही तुम्हारे भैया हैं, हमारा अंदाज भी थोड़ा अलग ही निराला है। गजब भैया, आप तो माच। वैसे अच्छा ये बताइए, मार्क जुकरबर्ग कौन है? है एक लौंडा, एक है बहुत अमीर और बहुत सिंपल, एकदम तुम्हारे भैया की तरह, और लोगों को भी खूब मदद करता है ये। तो भैया आप हमें कब से ट्रेनिंग दे रहे हैं? कल तुमको करते हैं कॉल और बुलाते हैं तुमको एक स्पेशल जगह, आओ मिलो हमसे और देते हैं तुमको वहाँ पे फिर हम क्या ट्रेनिंग। अरे शुक्रिया भैया, शुक्रिया, आप जहाँ बुलाएंगे वहाँ आ जाएंगे। ठीक है, मैं से चलता हूँ फिर मैं। नमस्ते। खुश रहो। साला बहुत बकैती कर रहा है, कुछ निकालते हैं सारे बकैती। नमस्ते। अरे बैठो बैठो, अरे आ गए, तुम तो यार एकदम सही टाइम पे फूटे हो। अरे भैया जी, अब आप जैसा बनना है तो नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे। अच्छा ये शतरंज खेल लेते हो? हाँ भैया जी, बहुत बढ़िया खेल लेते हैं, लेकिन बस शतरंज की तरह हमारे जीवन में कोई रानी नहीं है। अरे भैया मुस्कुरा कह रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, हमें अपनी रानी की याद आ गई। बेटा हमारी बात ना एकदम ध्यान से सुनना, इस शतरंज के खेल में जो रानी होती है ना, सबसे ताकतवर होती है, सारी चालें पैंतरे सब मालूम है इसको, और अगर अंत तक टिक गई
तो राजा को बचा के ले जाती है। अच्छा, अब हम समझे, हमें चेस खेल के पैसा कमाना है। बेटा तुम ना बहुत प्रचंड किस्म के हो, पता है। खैर छोड़ो, तुमको आगे बताते हैं। इस दुनिया में जो मर्द है ना, मतलब ये जो राजा है, ये केवल दो चीज़ों के पीछे फिसलता है। पहला तो है पैसा, और दूसरा बताओ क्या है। अरे भैया, थोड़ा अश्लील नहीं हो गया ये, अब हम कैसे बोलें। यार तुमसे ना एक रिक्वेस्ट है, हमें हमारे मुंह से गंदी वाली गाली मत निकलवाओ। दूसरी चीज़ सिर्फ लड़की है, पैसा और लड़की। अरे भैया जी, आप तो नाराज़ हो गए। वैसे बात आपकी एकदम करेक्ट है, हमारे जीवन में कोई रानी है तो नहीं, लेकिन फेसबुक पे चार चार से लगे रहते हैं। अरे बच्चा, उन चार रानियों में से दो रानी तो हम खुद हैं, और अभी तो चार दिन पहले तुम 399 रुपए का रिचार्ज कराए थे ना, वो हमारे ही इसी नंबर पे ही कराए थे तुम। अब देखो, हम तुम्हें ये बातें इसलिए बता रहे हैं, बुरा मत मानना, क्योंकि अब तुम हमारे कस्टमर नहीं रहे हो, अब तुम हमारे हो बिजनेस पार्टनर। भैया आप तो हमें इमोशनल कर दिए, आपसे मोहब्बत कर बैठे थे हम, मतलब अरे वो रिंकी नाम की आईडी से। अच्छा अच्छा टेंशन ना लो, अब हम तुमको कमवाएंगे पैसा, तब देखना कितनी मजा आती है। और ये सब तो वो माया है यार। अब हमको समझ में आया कि कोई लड़की हमसे वीडियो कॉल या कॉल पे बात क्यों नहीं करती थी। कैसे कर लेते तुमसे वीडियो कॉल पे बात हम। अब तुम्हें तो देखनी होती खूबसूरत रानी, अब गलती से अगर हम तुमसे वीडियो कॉल कर लेते तो तुमको ऐसी भयंकर सी देखने को मिल जाती ना, कि तुम्हारे कहाँ कहाँ हार्ट अटैक आता हम भी नहीं जानते हैं। चलो अब तुमको समझाते हैं मेन काम। चलिए भैया जल्दी बताइए, हमको भी रिंकी बन के किसी का काटना है। लड़की की आईडी बनाना, 300-300 रुपए का रिचार्ज कराना, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। असली मजा पता है कहाँ है? तो भैया अब क्या साड़ी ब्लाउज पहनना पड़ेगा? अरे टिकटॉक की पैदाइश, असली मजा है लड़की की आवाज में बात करके पैसे निकालने में। क्या आवाज बदलनी है? ये कैसे होगा? इसी की तो ट्रेनिंग हम तुमको देंगे। वैसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आवाज अगर 19-20 भी हुई ना तो भी चलेगा। मार्केट में आशिक, बीमार, ठरकी इतने हैं ना, कि अगर लौंडा बन के भी किसी से बात करोगे तो दो चार लोग तो फिसलेंगे ही फिसलेंगे। तो भैया आज से फिर हम शपथ लेते हैं, आपके साथ जो भी काम करेंगे दिलो जान से करेंगे। चलो बेटा काम करते हैं, लेते हैं तुम्हारी पहली क्लास। और बच्चा ये है वो फाइल जिसमें है उन सभी लौंडों के नंबर और नाम जिनको करना है हम लोगों को कॉल। तो चलते हैं, करते हैं शुरू। चलिए अब बेटा हमसे बोलो कोई सेंटेंस, जो भी तुम्हारे मन में आए बोलो। सेंटेंस हाँ, मेरे बाबू ने खाना खाया। तुमसे बच्चा मैं यही उम्मीद थी। खैर हटाओ, अब इसी सेंटेंस में थोड़ी सी अदा, थोड़ा सा भाव
और थोड़ा सा प्यार डाल के देखो, ट्राई करो। मेरे बाबू ने ताना ताया, ये बढ़िया था गुरु। अब अपने गले के तार को थोड़ा सा खींचो और कर दो उनको पतला। मेरे बाबू ने थाना थाया। कजब भैया, मजा आ गया, अब मैं भी ट्राई करता हूं। मेरे बाबू ने थाना थाया। तो चलो फिर रोज करते हैं प्रैक्टिस इसी चीज की। और लेकिन सारे तुम्हारे चक्कर में हम टोटले गायब हो रहे हैं, खाना को थाना बोल रहे हैं। बट बीबी काए 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 करके मूड खा कर देती है। चलो कुछ गर्मा गर्म देखा जाए मोबाइल में। हेलो हेलो, मैं प्राची बात कर रही हूँ ATC बैंक से। क्या मेरी बात मिस्टर राम प्रसाद जी से हो रही है? जी क्या नाम बताया आपने? जी प्राची। जैसा ही आपका नाम वैसे आपकी मधुर आवाज। बताइए ना, क्या काम हमें करना है? राम प्रसाद जी, एक्चुअली ना आपकी एक लॉटरी लगी है पूरे 1,00,000 रुपए की, तो बस उसके लिए आपसे कुछ डिटेल्स चाहिए थे। अरे आप जो जो मांगेंगे सब देंगे, आप मांगिए तो सही। राम प्रसाद जी, आपको तो बस मुझे अपना बैंक अकाउंट, IFC कोड और एक CVV बताना है, और बस आधे घंटे में आपके अकाउंट में पूरे 1,00,000 रुपए भेज दूंगी। राची जी, श्री आप मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, मैं निकालता, अरे मतलब लाता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या फसाया भैया, 10-20 हजार तो ऐसे ही दे देगा। अब तुम एक काम करो, हैक करना शुरू करो जैसे ही डिटेल भेजता, समझे? जी राजी जी, लिखिए ना 6306961 074 951। CVV लिख लीजिए मेरा 074। थैंक यू सो मच राम प्रसाद जी। आय हाय, आज तक मेरी बीवी ने ऐसा नहीं बोला जिसे आपने बोल दिया। प्राची जी, वो पैसे कब तक आ जाएंगे और आप कब तक हमसे मिलेंगे? बस आधे घंटे में आपके अकाउंट में पूरे 1,00,000 रुपए आ जाएंगे, और फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ ना, आपसे पर्सनल पार्टी भी तो लेनी है। आय हाय, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए भैया, पूरे 30,000 रुपए आ गए। बहुत बढ़िया, अब दूसरे मुर्गे का नाम है मोंटी, कल से अच्छा उसको फंसाते हैं। चलिए मोंटी भाई, आज पैसा नहीं मिला, एक दिन की मोहलत तोड़ दे तो बस मोंटी भाई। ओए मोंटी को ना पैसे आज ही चाहिए, बता रहा हूँ। चल फोन रख, दूसरा कॉल आ रहा है। बेबी मैं तो पायलट हूँ ना, पापा के पैसे जोड़ाता हूँ, तो मिला जाए आज किसी पब शॉप में। चल तैयार रहना, आता हूँ पिक करने।
मेरा प्रोटीन का डब्बा एक्सपायर हो गया, लेकिन ये रिलेशनशिप नाम नहीं ले रहा एक्सपायर होने का। बट यार मैं तो इतना सेक्सी हूँ कि लड़कियों की लाइनें लग जाएंगी। ट्राई करता हूँ यार किसी पर। ओहो क्या कोइंसिडेंस है यार, मैच भी मिल गया। सही है यार, नाम वैशाली, दिखने में एकदम रेल गाड़ी है, भी लखनऊ की, एज और हॉबी भी वैसे ही है जैसे मुझे चाहिए। मैसेज करता हूँ, ये तो झक मार के रिप्लाई करेगी। हाय भैया, ये देखिए जो हमने फेक डेटिंग साइट नहीं बनाई थी उस पे एक मॉन्टी नाम का बंदा फंस गया है। बहुत बढ़िया, आप इस चूजे को खिलाओ, बड़ा करो और फिर प्यार से हलाल करो। देखो मैसेज आ ही गया। अब ये हाय हेलो छोड़ के सीधे पॉइंट पे आते हैं, और वैसे भी ये कोई डेटिंग साइट है, कोई shaadi.com थोड़ी ना। जब भी फ्री हो लेट्स मीट। भैया ये तो चूजा नहीं घोड़ा है, बहुत उतावला हो रहा है इसको तो बस। रिप्लाई आ गया, गिव मी योर नंबर, लेट्स टॉक ओवर फोन। अच्छा जी, लड़की तो मेरी तरह ही तेज है। 9580801935। कॉल आ ही गया। हाय मोंची, कैसे हो तुम? मैं तो एज ऑलवेज एकदम मस्त। एक बात बोलूं मैं आपसे, आपकी ना प्रोफाइल बहुत हॉट है। अरे हॉट प्रोफाइल क्या, हॉट तो मैं भी हूँ, और वैसे मैं ये सब कॉल वॉल पे ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मिलते हैं ना आज। मोंटी जी इतनी भी जल्दी क्या है, असल में आपको पता है मेरे घर में इतनी भी फ्रीडम नहीं है, आप थोड़े दिन रुकिए ना। दिक्कत मोंटी के होते हुए क्या दिक्कत है? मोंची जी, I know you are a macho man, but क्या है ना कि मेरे पापा पुलिस में हैं, तो मुझे कहीं बाहर जाना अलाउड नहीं है। बट हाँ, लखनऊ के एक आउटर में एक 7-star होटल है, दी ब्लेजी डायमंड, तो वहाँ कभी कदार जाना हो जाता है। मैं न डरता हूँ ढुल्लो बुल्लो से, अरे मेरा मतलब तो है पापा से, कहो तो लेने आ जाऊँ। और वैसे ये तो तुमने होटल बताया, यहीं चलते हैं ना? मोंची वो तो ठीक है, लेकिन क्या है ना कि वो होटल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, सो मैं भी वहाँ कभी कदार ही जा पाती हूँ, एंड वहाँ पे पहले से ही एडवांस बुकिंग करवानी होती है, सो मोंटी के हो तो पैसे की फिक्र ना कर, मुझे उस होटल की बैंक डिटेल भेज, आज ही बुक कराता हूँ उसकी एडवांस बुकिंग। Oh Monchi, my sweetheart, my darling, please listen, please, but मैं तुम्हारा ये refund कैसे करूँगी पैसे? तुम्हारा रात में रुकना ही मेरा refund है, तैयार रहना लेने आता हूँ। भैया दूसरा bank detail दीजिए ना। ये लो, होटल के नाम से ही है, मोंटी को दे दो तुरंत। ले भैया हो गई बुकिंग। 9801752005 बिरगंज परसा नेपाल। एक तो घुटने जल्दी मुड़ते नहीं, ऊपर से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत अलग से, और ये साला लैट्रिन जल्दी उतरती नहीं। सरकार भी किसी काम की नहीं, कोरोना की वैक्सीन तो ले आए हैं, पर ये बुजुर्गों को घर घर जाके कॉन्स्टिपेशन की दवाई कौन देगा यार? जवानी ठीक थी हमारी, अब तो डेली बीबी की किचकिच और सुबह सुबह लैटरिन की झिकझिक। मुबारक हो, आपकी लगी है लॉटरी पूरे
50,000 की संपर्क के लिए कॉल करें 7355955। अरे वाह, इस उम्र में भी लॉटरी। चलो देखे तो जरा कॉल करके। हेलो हेलो, हाँ वो फोन आया रहा लॉटरी वाला। हेलो सर, ये मैसेज ना आपको हमाररी कंपनी घर से कमाओ से भेजा गया है, और बधाई हो सर, आपको पूरे 50,000 की लॉटरी लगी है। पर ये बेटी, ये पैसे आएंगे कैसे? आपके ही बैंक अकाउंट में आएंगे ये पैसे। पर वो कैसे बेटी? आप इतना परेशान ना होइए ना सर, और वैसे भी एक बात बताऊं मैं आपको, आप प्लीज मुझे बेटी ना बोलिए, और वैसे भी आप आवाज से इतने जवान लगते हैं। अरे आप भी ना, वैसे आपका नाम क्या है? जी रिया नाम है मेरा। अच्छा रिया जी, आप ये बताइए करना क्या है हमें? आपको बस अपनी अकाउंट डिटेल्स देनी होगी और फिर आप सब मेरे पे छोड़ दीजिए। अरे बस रिया जी, हम तुरंत लाते हैं। वैसे रिया जी, आपसे बात करके हमारे जवानी के दिन याद आ गए। अरे रिया जी, लिखिए ना हमारी डिटेल जल्दी। जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हेलो हेलो सर। देखो अमन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सर सुनिए तो सर। नहीं, मुझे तुम्हारा ये नाटक बार बार मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। मुझे मेरे कंपनी में और भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी तनख्वाह देनी पड़ती है। अरे सर सुनिए तो सर। सर सर लोन चुकाना, सर बहन की शादी अगले महीने। सर सुनिए तो सर। मुझे कुछ नहीं सुनना है, और कल से तुम्हें ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी नौकरी ढूंढ लो। फोन रखो। हेलो हेलो, हाय, क्या मेरी बात अमन जी से हो रही है? बिल्कुल मैम, आप कौन? नौकरी मिलेगी .com से बात कर रही हूँ। क्या आप जॉब करने में इंटरेस्टेड होंगे? यस मैम, आई एम इंटरेस्टेड। बताइए मैम, कब और कहाँ पर आना है? ओके अमन जी, तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप सेव कर लो, और मैं बस कुछ ही देर में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन सेंड करती हूँ। ओके मैम, थैंक यू। अबे ये सही में बेरोजगार निकला बे। भैया तो फिर ये तो बेरोजगार निकला, अब हमको क्या पैसा क्या मिलेगा घंटा? बेटा बेरोजगार के पास भले ही पैसा ना हो, लेकिन जुगाड़ बहुत होते हैं, और लड़की के लिए जुगाड़ ना तो बहुत ही होते हैं। 8-7। हेलो मैम, मैं अमन, कल जॉब के लिए आपसे बात हुई थी ना? ओ हाय अमन, तो अमन ना हमारी कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसमें आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा पूरे 500 रुपीज़ का। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं अमन जी? 500 रुपये? यस मैम, आई एम इंटरेस्टेड। बताइए मैम, कहाँ ट्रांसफ़र करना है? ओके अमन जी, तो आप ना मुझे इसी नंबर पे पेटीएम कर दो, और मुझे जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है मैं आपको तुरंत कॉल बैक करती हूँ। ओके मैम, ओके मैम, अभी मैं ट्रांसफ़र करता हूँ। देखा क्या कहे थे हम, अब बनाएंगे 500 के 5,000। मान गए गुरु। हेलो हेलो अमन, 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 आई एम सो सॉरी अमन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अमन।
अरे हुआ क्या बताओ तो, कम से कम तुम रो क्यों रही हो? अमन मैं कैसे बताऊँ तुमको, मेरी कंपनी ने ना मुझे जॉब से निकाल दिया। मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाई अमन जी, आई एम सो सॉरी। प्लीज़ आप अपना मुझे बैंक अकाउंट दे दीजिए ताकि मैं आपके रजिस्ट्रेशन के पैसे रिफंड कर दूँ। पहले तुम घबराओ मत और रो मत, ठीक है? मैं समझ सकता हूँ तुम पे क्या बीत रही होगी। मैं कोशिश करता हूँ और मुझसे कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझसे पैसे जैसे मांग सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अमन जी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे कैसे कहूँ, बट जब से मेरी जॉब गई है ना, मेरे पास रूम के रेंट देने के भी पैसे नहीं है। तो क्या आप मुझे 10,000 रुपये दे सकते हैं क्या? मैं ना अब जब भी आपसे मिलूँगी मैं आपको रिटर्न कर दूँगी, आई प्रॉमिस अमन जी। मैं कोशिश करता हूँ, एक काम करो तुम अपना अकाउंट नंबर मुझे ट्रांसफ़र कर दो और मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ। जब मैं तुमसे मिलूँगा ना तो मुझे मिल के आराम से दे देना, ठीक है? और घबराओ नहीं, बिल्कुल मत घबराओ, ठीक है? थैंक यू सो मच अमन जी। आपको पता है आपके जैसे भले इंसान ना इस दुनिया में बहुत कम है। कितनी स्वीट लड़की है यार, मुझे जॉब छूटने के बाद भी मेरे पैसे रिफंड करना चाहती है। मैं इसकी हेल्प ज़रूर करूँगा और मिलूँगा भी। देखा, पूरे 10,000 रुपये आए अकाउंट में। ये लीजिए, फिर मुंह मीठा कीजिए भैया जी। अब ये बताओ बेटा, ब्लैक डॉग पियोगे कि वैट 69? अरे काला कुत्ता करिए ना अपना। एक्चुअली में काफ़ी दिनों से तुमसे मेरी बातें हो रही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग मिल ले कहीं पर। हाँ मैं संडे को फ्री हूँ, बताइए कहाँ पर आना है। ठीक है अमन जी, आप ना मुझे निषादगंज पे न्यू हैदराबाद कॉलोनी में एक पार्क है, आप मुझे वहाँ परसों संडे को सुबह 10 बजे मिलिए। ठीक, बिल्कुल ओके। ये साली आशिकी के चक्कर में आदमी पूरा बर्बाद हो रखा है, अब इसको मिलने की बहुत तलब हो रही है, सोच रहे हैं इसको बुला लें। अब 10-15 मिनट खड़ा रहेगा और यहाँ से हम अपना नंबर इनका ब्लॉक कर देंगे, वैसे भी बहुत कमा लिया इससे। नमस्कार देवी और सज्जनों, अभी अभी एक दुखद खबर सामने आती हुई नजर आई है। लखनऊ के ठाकुरगंज के एक निवासी जिनका नाम अमन शर्मा बताया जा रहा है, आज सुबह तकरीबन 5 बजे फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। यूँ तो इस मौत का कोई मुख्य कारण सामने नहीं आया है, पर सूत्रों के मुताबिक अमन शर्मा पिछले कई दिनों से परेशान थे। परेशानी के कारण में उनकी छुट्टी हुई नौकरी और पैसों की प्रॉब्लम्स के अलावा एक महिला से प्रेम में मिले धोखे से उनको और समस्या में डाल दिया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ही अंत करने का फैसला ले लिया।